हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए रोज़ एक नई वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन IPL से रिलेटेड, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग से। जैसा कि हमने पिछले कई एग्जाम्स में देखे, रेलवे ALP के पेपर्स देखे, तो उसमें एक क्वेश्चन जो लगातार रिपीट हो रहा था वो था IPL से रिलेटेड। एक टॉपिक था ऐसा करंट अफेयर्स का, तो IPL के टीम के कोचेज और IPL के टीम के कप्तान के बारे में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे थे। तो क्यों ना हम सोचे कि एक वीडियो इस पर आपके लिए लाया जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, कृपया देखना ना भूलें। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि IPL 2018 में कुल 8 टीमें थी, तो उसमें हम सबसे पहले जिस टीम की बात करने वाले हैं उसका नाम है मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस के जो कप्तान थे रोहित शर्मा, जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान थे और उनके कोच थे महिला जयवर्धने। आपको बता दें कि महिला जयवर्धने भी मुंबई इंडियंस टीम में एज ए प्लेयर खेल चुके हैं। तो और इसके जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स में आज जब बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है ऑनर नेम से। तो मुंबई इंडियंस के ऑनर का नेम जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री है। कई बार बच्चे क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, मुकेश अंबानी या नीता अंबानी सोच करके जाते हैं और कहते हैं कि नॉन ऑफ द एबव को पे टिक लगा कर चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो रजिस्टर्ड ऑनर हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आइए अगले 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 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मुंबई इंडियंस अब तक कितनी बार IPL का खिताब जीत चुकी है। तो मुंबई इंडियंस अब तक तीन बार IPL का खिताब जीत चुकी है। पहली बार 2013 में, उसके बाद 2015 में, फिर 2017 में। कह सकते हैं दो दो साल के गैप पे है, तो कह सकते हैं 2019 में भी जीते। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने अगली टीम की तरफ। तो हमारी अगली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं, जो कि खुद विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, सभी जानते हैं, भारतीय टीम के भी पूर्व कप्तान रह चुके हैं। और ये इनसे क्वेश्चन पूछा गया था अभी ALP में कि चेन्नई सुपर किंग के कोच कौन हैं। तो स्टेफन फ्लेमिंग जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग के कोच हैं। तो वर्तमान में स्टेफन फ्लेमिंग चेन्नई सुपर किंग के कोच हैं। चेन्नई सुपर किंग बीच में 2 वर्षों के लिए बैन भी हुई थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो और चेन्नई सुपर किंग के जो मालिक हैं, यानी कि ऑनर हैं, वो हैं इंडिया सीमेंट लिमिटेड। तो इंडिया सीमेंट लिमिटेड एन श्रीनिवासन पूर्व BCCI के चेयरमैन चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। तो बात करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग अब तक कितनी बार IPL का खिताब जीत चुकी है। तो चेन्नई सुपर किंग अब तक कुल 3 बार IPL का खिताब जीत चुकी है, 2010, 2011 और हाल ही में 2018। तो बढ़ते हैं अपने अगली टीम की तरफ। तो हमारी अगली टीम है किंग्स इलेवन पंजाब। तो किंग्स इलेवन पंजाब ने हाल ही में इस सीजन में अपना कप्तान बदला है, और किंग्स इलेवन पंजाब के जो कप्तान हैं वो हैं रविचंद्रन अश्विन, और इसके जो कोच हैं वो है ब्रेड हॉज। तो ये जो किंग्स इलेवन पंजाब के जो ऑनर हैं, अब अधिकांश लोगों को वो सिर्फ प्रीति जिंटा का नाम याद रहता है, क्योंकि वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं। लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब के कुल 4 ऑनर्स हैं, नेस वाडिला, प्रीति जिंटा, मोहित बर्मन और करण पॉल। तो अभी तक खिताब से, IPL के खिताब से किंग्स इलेवन पंजाब दूर ही रही है। और बढ़ते हैं तब अपने तो अगली टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने इस सीजन में अपना कप्तान बदला और गौतम गंभीर की जगह पर कप्तान रखा गया इस बार दिनेश कार्तिक को। दिनेश कार्तिक ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन खिताब से इस बार दूर रह गई। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स, लगता है कि एग्जामिनर्स को कोलकाता नाइट राइडर्स फेवरेट टीम्स हो गई है, क्योंकि इससे पूछा गया था कि कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑनर कौन हैं, इस क्वेश्चन को पूछा गया था अभी ALP में।
और इस बार चांसेस है आपके ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई कोलकाता नाइट राइडर्स के जो कोच हैं उनका नाम क्या है। तो कोच का नाम बिल्कुल रट जाइए, दिमाग में बैठा लीजिए कि कोच कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच जो है वो जैक कैलिस है। जैक कैलिस किस देश से संबंधित है? तो जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के बैट्समैन है। जैक कैलिस ऑलराउंडर बैट्समैन है। तो और इसके जो कोलकाता नाइट राइडर्स के जो ऑनर हैं वो ऑनर हैं शाहरुख खान। तो शाहरुख खान की जो कंपनी है रेड चिली इंटरटेनमेंट, आपने मूवीज़ में देखा होगा अक्सर रेड चिली इंटरटेनमेंट, तो रेड चिली इंटरटेनमेंट का जो शेयर है वो 55% है, 55% शेयर है रेड चिली इंटरटेनमेंट के पास। और बाकी का जो शेयर है वो जय मेहता और जूही चावला के पास है, जो 45% शेयर होल्डर हैं। तो जय मेहता कौन है? तो जूही चावला के हस्बैंड हैं। जय मेहता आपने अक्सर आईपीएल मैच के दौरान देखा होगा जूही चावला प्रमोशन करते हुए दिखी हुई हैं, दिखती हैं, टीम का हौसला अफजाई करते हुए दिखती हैं। तो वो ऐसे ही नहीं दिखती हैं, वो भी टीम की ऑनर हैं। तो अब तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 बार खिताब जीता है, 2012 और 2014 में। तो बढ़ते हैं अपने अगली टीम की तरफ। तो हमारी अगली टीम है राजस्थान रॉयल्स, जिसके कप्तान हैं अजिंक रहाणे और जिसके कोच हैं शेन वॉन। तो बहुत महान खिलाड़ी हैं शेन वॉन। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो राजस्थान रॉयल्स भी से बैन हुई थी 2 साल के लिए। तो इससे पहले जो इसके ऑनर्स थे वो जो थे वो शिल्पा शेट्टी और कुंद्रा साहेब थे, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ चली जिसके कारण उन ऑनरशिप चेंज हुई। तो खैर इसके ऑनर से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑनर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो एग्ज़ाम में नहीं आने के चांसेज हैं पूरे। तो इसलिए इसके ऑनर्स पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बन सकता है कि आईपीएल का सबसे पहला खिताब किसने जीता? तो 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ तो सबसे पहला खिताब राजस्थान रॉयल्स ने ही जीता था। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वो है कि आईपीएल का पहला खिताब किसने जीता? तो राजस्थान रॉयल ने आईपीएल का पहला खिताब जीता था। तो बढ़ते हैं अपने अगली टीम की तरफ। तो अगली टीम है दिल्ली डेयरडेविल्स, जिसके कप्तान हैं गौतम गंभीर और कोच महान ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज रिंकी पोंटिंग, जिन्होंने अपने देश के लिए कई बार वो आईसीसी वर्ल्ड कप का खिताब भी जिताया है। तो और इसके ऑनर हैं दिल्ली डेयरडेविल्स के जीएमआर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन अभी भी खिताब से ये दूर रही है। तो इस तरह से दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान गौतम गंभीर और कोच रिंकी पोंटिंग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगली टीम की तरफ। तो हमारी अगली टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, जो हर बार बेहतरीन बॉलर्स तो लेके आती है लेकिन बैट्समैन में फेल हो जाती है, जिसके कप्तान डेविड वार्नर थे, लेकिन चूंकि उन पे किसी टीबीए के कारण उन पे बैन बैन लग चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उनके उन पे बैन लग गया है। तो उनके जगह पे जो उप कप्तान थे केन विलियमसन अभी वर्तमान में कप्तान हैं, या फिर कहे जा सकते हैं अगले सीजन से बदले भी जा सकते हैं। और जो उनके कोच हैं सनराइजर्स हैदराबाद के, वो हैं टॉम मूडी, और जो इनके मालिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि सनराइजर्स हैदराबाद के ऑनर कौन हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद के ऑनर हैं कलानिधि मरन, जो कि चेयरमैन और एमडी हैं सन नेटवर्क के, सन टीवी जो आती है आपके नेटवर्क उसके ऑनर हैं, ये एमडी हैं। तो अब तक सिर्फ एक बार खिताब हासिल कर पाई है सनराइजर्स हैदराबाद, वो 2016 में। तो बढ़ते हैं अपने अगली टीम की तरफ। हमारी अगली टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसके कप्तान हैं विराट कोहली, लेकिन यहाँ पे उनके उनकी विराट रूप देखने को नहीं मिली है। एक से बढ़कर एक महान प्लेयर होने के बावजूद भी ये टीम भी अभी तक खिताब से दूर ही रही है। आईपीएल के खिताब को एक बार भी नहीं जीत पाया है इन्होंने, फाइनल में जाकर भी टीम हार चुकी है। तो इस टीम के जो कोच हैं वो हैं डेनियल विटोरी, जो कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं और ऑलराउंडर भी कह सकते हैं इन्हें हम। तो इसके जो ऑनर हैं, काफ़ी विवादित प्रश्न है ये ऑनर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इनके ऑनर विजय माल्या हैं, लेकिन विजय माल्या इसके ऑनर नहीं हैं, क्योंकि इसके इसके जो ऑनर हैं डायजियो थ्रो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड कंपनी है, जो कि विजय माल्या के फादर की कंपनी थी, जिसके अब मालिक विजय माल्या ही हैं, जो कि अभी भगोड़ा चल रहे हैं, जिनकी तलाश हर एक भारतीयों की है। खैर, अभी तक खिताब से ये टीम दूर रही है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु।
तो आइए फटाफट एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं हम सभी टीमों के कप्तान, कोच और ऑनर नेम और उनके जीते हुए वर्ष। तो मुंबई इंडियंस जिसके कप्तान है रोहित शर्मा, कोच महिला जयवर्धने, जिनके ऑनर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, चेन्नई सुपर किंग महेंद्र सिंह धोनी और इनके कोच है स्टेफन फ्लेमिंग। तो ऑनर के नेम है इंडिया सीमेंट लिमिटेड जिसके एमडी हैं एन श्रीनिवासन, किंग्स इलेवन पंजाब रविचंद्रन अश्विन जिसके कप्तान हैं और कोच ब्रैड हॉज, और ऑनर इनके हैं नेस वाडिला, प्रीति जिंटा, मोहित बर्मन, करण पॉल। तो अब अगली जो टीम है वह है कोलकाता नाइट राइडर्स के KKR जिसके कप्तान हैं दिनेश कार्तिक, कोच जैक खैलिस और ऑनर जिनके हैं शाहरुख खान जिनकी कंपनी है रेड चिली इंटरटेनमेंट्स जिसके 55% शेयर्स हैं और मेहता ग्रुप के जो शेयर हैं वो 45% हैं। मेहता वही जूही चावला के हस्बैंड। तो अगली टीम है राजस्थान रॉयल्स जिसके कप्तान हैं अजिंक्य रहाणे और कोच हैं शेन वॉन, जिसके ऑनर नेम कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती है तो इसलिए इसको देखते भी नहीं है। हमें सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो आइए अगली टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जिसके कैप्टन है विराट कोहली और कोच हैं डेनियल विटोरी और इसके ऑनर हैं डायोगियो थ्रो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड जो कि एक एल्कोहल की कंपनी है। दिल्ली डेयरडेविल्स नेक्स्ट जो टीम है जिसके कप्तान है गौतम गंभीर, कोच रिंकी पोंटिंग और इसके ऑनर जो है वो है GMR स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो अभी तक खिताब से दूर रही है। और अंतिम टीम बन जाती है सनराइजर्स हैदराबाद, कैप्टन है डेविड वॉर्नर और जो कि अभी रिसेंटली बैन किए जा चुके हैं और कोच हैं टॉम मूडी और इसके ऑनर हैं कलानिधि मारन जो कि चेयरमैन और MD हैं सन नेटवर्क के जो कि अभी तक एक बार खिताब 2016 में जीते। तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन पक्का है ग्रुप डी में, ये गारंटी है मेरा। आइए तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशन ऑनलाइन ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियोज़ को देख पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you soon with next video. Till then, take care. Bye-bye.